अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी ये है व्लॉग नंबर 84। तो ये जो हमारी फैन है यहाँ पे, इनसे जरा आपको मिलवाते हैं क्योंकि इनके बारे में बेशुमार सवाल हैं, बहुत ज्यादा सवाल हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कमेंट्स के नीचे कि क्या ये अनिया की स्टेप सिस्टर हैं, क्या ये अनिया की सिस्टर हैं, और ये अगर सिस्टर हैं तो आप इनको व्लॉग्स में क्यों नहीं लेते, आप बाकी दो क्यों लेते हैं, इनसे आपकी कोई नाराजगी है। तो जी ये सारे जो क्वेश्चन है ना, मैंने सोचा आज सब वाइंड अप करते हैं और उसके बाद कुछ आपको दिखाते भी हैं। तो जी इनसे मिलिए, ये हैं हया, ये हैं अनिया की बड़ी बहन, ये मेरे छोटी से भी बहन। बड़ी बहन और ये मेरे से भी स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी हैं, और इनकी भी हमारी शादी के साथ ही शादी हुई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में, और हम इन्हीं के कमरे में भी बैठे हुए हैं। तो जी हया थोड़ा सा अपना इंटरव्यू दे दें, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मीनवाइल ये करिए अपनी स्किन केयर। यस, एंड अगर मैं तो स्किन केयर छोड़ के आ गई हूँ ना, मतलब तुम खुद समझ जाओ कि तुम्हारी व्लॉग्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, बिकॉज़ आई डू नॉट छोड़ के यार, टेक्निकली जस्ट डूइंग इट हियर, बट लाइक या मतलब लाइक अच्छा। क्वेश्चन नंबर 1 हया, आप हम सबके साथ क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं स्टेप सिस्टर हूं यार, लोग असल में समझ जाएंगे यार। स्टेप सिस्टर इज ऑब्वियसली अ जोक, बिकॉज़ पीपल फॉर सम रीजन आर सो ऑब्सेस्ड विद आवर फैमिली। मैं करूं प्लीज प्लीज, दिस अवेकेंस योर कोलेजन एक्टिवेशन होती है उससे। यू नो व्हाट एल्स एक्टिवेट्स अ कोलेजन? प्लीज डोंट स्लैप मी, प्यार से करो। मैं क्यों नहीं होती हूँ साथ, बिकॉज आई गॉट मैरिड और मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ। कहाँ पे? यूके में। हाँ, तो वहाँ से जरा आना बार बार ना वीडियोस के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये वीडियोस में नहीं होती। मैं भी फर्स्ट टाइम शादी की बात, इसलिए अब आप लोग मुझे देखेंगे काफी दफा। People call you Ali Hamza, but like what? Because I call you Ali. Yeah, people call me Ali. Ali, yeah, Ali. I actually call him bro, but bro. Bro. तो जी क्वेश्चन नंबर टू क्या है? क्वेश्चन तुम क्या कर रही हो तुमसे? स्किन केयर, स्किन पोस्ट स्किन केयर सेल्फी सेशन। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इज के क्या आप हमारी स्टेप सिस्टर हैं? हाँ। स्टेप सिस्टर वाला वाज अ जोक बेसिकली। मैं जो हूँ ना, थोड़ी सी ज्यादा फनी हूँ इन सब में से। एज यू कैन सी द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमर दैट वी हैव हियर ऑब्वियसली। तो I was getting a lot of questions about like, you know, if they're my stepsisters and all that, because लोगों को like they automatically assume कि because I'm not with them in pictures and everything, तो कोई नाराजगी है या बनती नहीं हमारी, मैं सौतेली हूँ, all that. Is this like, you know, I have my own life, इसलिए मैं दूर होती हूँ, लेकिन we're constantly in touch. अन्या ग्रुप है हमारा, हमारी बातचीत होती है, मैं कभी grocery shop में गई होती हूँ, लोगों की वीडियो कॉल आ जाती है, कजन्स भी हमारे जो मस्कत वगैरह में उनकी, उनको भी लेते कॉल पे, अन्या की बेस्ट फ्रेंड है वो भी आ जाती है, मतलब वी ऑलवेज इन टच, एंड स्पेशली अन्या बिकॉज शी इज हैविंग अ बंच ऑफ शिट डिलीवर्ड टू माय प्लेस ऑल द टाइम, तो उसके अपडेट्स देने पड़ते हैं उसको। मैं रोज के पार्सल में खींच रही होती हूँ गेट से, ये देख सकता है। ओह, अबाउट पार्सल्स, अभी आपको पार्सल्स दिखाते हैं। हमने हया से ऑर्डर करवाए थे कोई ठीक ठाक पार्सल्स, अब क्योंकि अगर हम वो चीज़ें यहाँ से लेते तो हमें पड़ी थी बहुत महंगी और उस क्वालिटी की मिल नहीं रही थी, तो हमने हया से बोला कि हया प्लीज ले आओ, प्लीज ले आओ। जुलाई में टिकट लिया है। वन वे कॉस्टेड मोर देन अ राउंड ट्रिप कॉस्ट एवरेज यूजली, और मेरे पास 30 kg की अलाउंस थी। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं ला सकी, ना अपने ससुराल के लिए ना किसी और के लिए, बिकॉज मैं ये सूटकेस मेरा जो पड़ा हुआ है इसमें मजाक के अलावा सारी चीज़ें इन दोनों की थी, और मेरे कोई एक दो, एक जो मैंने पहना हुआ ये था और एक दो और कपड़े थे मेरे, दैट्स इट, बाकी सारा सामान इसका था। आपने अन्या की रील अगर देखी होगी इंस्टाग्राम, इसमें ये मैं इसको चीज़ें देती जा रही हूँ, और दैट्स नॉट ऑल, अभी कोई 7 kg और तलहा लेके आ रहा है, वन ही इज कमिंग, वो सूटकेस मैं उसका पैक करके आई हूँ, एंड पूरे मैंने नीचे उसकी कॉफ़ी डाली है बेसिकली, 7 kg कॉफ़ी भी आ रही है और 3 kg मैं आई हूँ, जस्ट सेम बट ओके। डूड, लोग ये भी पूछ रहे थे कि लाइक यू नो आप ये चीज़ें लाने के लिए इन्होंने आपको पता नहीं क्या बोला था, क्या था? आप जो हैं सही बोलती हैं, ये लोग जो हैं आपको यूज़ करें आपको मिस नहीं करते, इनको आपके आने से ज़्यादा अपनी कॉफ़ी मशीन की खुशी। मेरे इनबॉक्स में इतनी बड़ी हुई भी बात है कि भाई अन्य डजन मिस जस्ट मिसेज अ कॉफ़ी मशीन, दैट्स इट, बट आई थिंक इज वेरी मीन एंड स्पाइटफुल बिकॉज लाइक आई नो शी मिसेज मी। अच्छा, Next question. How many siblings are you? 4. 1, 2, 3, 4. Sequence-wise बता दूँ तो 1, 2, 3, 4. 4 sisters. ये अपना जो ना cover लगाना कि 4 हैं, because अभी तक after answering that question multiple times, I'm still getting asked how many siblings are you?
हाँ मैं ही सब लगाई हूँ बेसिकली जब से अनिया की और मेरी शादी हुई है अनिया की और मेरी शादी हुई है ओके जब से हम दोनों की शादी जब से हम दोनों की शादी हुई हैं तो लाइक अली एंड तलहा आर पार्ट ऑफ द फैमिली टू नाउ ऑब्वियसली तो देर लाइक ब्रदर्स टू नबी एंड अमान सही है तो टेक्निकली देर लाइक सिबलिंग्स टू अस लेकिन ये कहते हैं कि इन्होंने एक बार बोल दिया हुआ तब से पीछे पड़ गए ये लोग कि कितने बहन भाई हैं चार हैं चार 1 2 3 4 अगेन फाइव पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप इतनी गोरी कैसे हैं कोई टिप्स बताएं आपने वजन कैसे कम किया कोई टिप्स बताएं आपका अमेरिकन एक्सेंट कैसे पाकिस्तान में रहते हैं आपको 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 हम एक बताते हैं बड़ी ही निहायत ही मजे की बात जो आज आज हुई है आज पहले स्टोरी बता दूं तो आज यहाँ पे बेसिकली एक मार्ट है तो नबिया नबिया इधर आ जाओ इधर आ जाओ स्टोरी बता रहे पहले नबिया 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 कम क्लोजर तो जी नबिया गई थी हया के साथ स्टोर पे नहीं हया ले गई थी दोनों को शॉपिंग करने के लिए शुरू से बताना ठीक है अच्छा सो हम लोग एंकर गए थे वो हमारी कंपाउंड के अंदर ही बड़ा सस्ता सा सस्ती सी मार्केट है लाना तुम्हारी शक्ल पर मैंने शॉपिंग आया था तो मुझे बोल अबे मैंने ये थोड़ी बोला सस्ती शॉपिंग आई मैंने कहा मार्ट सस्ती है अच्छा फिर अच्छा ठीक है सस्ती नहीं वहां पे बहुत चीजें होती हैं अच्छा भाई हमने एंकर से सामान लिया और हम बिल करें अब वो एक ही बंदा था बेचारा तो वही सामान रखा उसने और वो कैश करे तो हेल्प उतनी देर में हेल्प कहती है do we have to bag these ourselves? Like, is this, does this happen in Pakistan? Because वहाँ पे तो मैं खुद bag करती थी ना। She said that? Yeah. I swear to God, she didn't bullshit. वो कहते हैं मैं कर रही हूँ, मैं तो ना bill कर रहा था, अभी करता हूँ मैं। Oh, here's the truth version of what happened basically. Yeah, to bag these ourselves. नहीं, मैंने, मैं जो अब नई नई आई, मतलब उसी दिन आई थी मैं basically वहाँ से, तो मुझे बड़ा इन दोनों प्यार। ढीले कपड़े नहीं पहने बिकॉज लाइक अब मैं पतली हो गई हूँ तो उसमें किसी ने कमेंट किया ज़ाया प्रेग्नेंट मेरे तो तुमसे तो पूछा है मेरी जो वीडियो इसमें अली का मेकअप करी थी कंग्रेट्स यू आर एक्सपेक्टिंग मतलब देयर बिफोर यू डू वेरी नाइस We are diverting. We were on the story. Touchy topic. तो इन दोनों को मैं बेचारी दोनों बहनें बहुत शर्माई थी उनको बोलूँ ये भी ले लो गेट रामन इफ़ यू वॉन्ट जूस पी लो ड्रिंक्स ले लो चॉकलेट खानी टॉबलरोन खानी है हाँ मैं बोला जो लेना ले लो ये बोल रही हैं नहीं बस आओ मैंने कहा टॉबलरोन चाहिए हाँ रामन चाहिए मैं कहा तो जाके लो जो लेना लो आई एम लाइक ट्रीटिंग यू गाइस इट्स ओके लाइक इट्स ईद एंड एवरीथिंग अब मैंने जो है ना फिर मैंने कहा चलो पैटीज लो बंस लो तुम लोग बर्गर्स बनाऊंगी रात को हम लोग पार्टी करेंगे सब कुछ करेंगे अभी बना के आती हूँ अच्छा फिर क्या हुआ कि अब पूरा इतना काउंटर है सही है और पूरे काउंटर पर सामान पड़ा हुआ है सही है एंड आई वॉज जेन्युइनली क्यूरियस नॉट दैट आई वॉज शोइंग ऑफ और समथिंग व्हाट यू आर पुटिंग इन अस मोस्ट डेफिनेटली नहीं सही है अच्छा अब पूरा बिल हो गया सब कुछ हो गया अब सामान वैसे का वैसा पड़ा हुआ सही है बिल हो गया था यार सही है और अब मैं देख रही हूँ वो मतलब सामान पड़ा हुआ सही है अब ऑब्वियसली लाइक यू नो आई नो कि यहाँ पे लाइक ऑब्वियसली लाइक एवरीथिंग इज डन फॉर यू एवरीथिंग लिटरली सही है तो आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम डूइंग इट मायसेल्फ ऑब्वियसली cuz लाइक यू नो आई डू डू इट फ्रॉम यूके यू कैन नो नो देयर वी बैड यू गाइस आई एम टेक तो मैंने बोला मैंने नबिया से पूछा मैंने कहा नबिया डू वी हैव टू बैग दीज आवरसेल्व्स इतनी सी बात थी बस सही है और इसने जो उसको बनाया ओह माय गॉड डू वी हैव टू बैग दीज आवरसेल्व्स नहीं कुछ नहीं हुआ तो वो तो नबिया की पुरानी आदत है नबिया का तो नबिया का जो है ना ह्यूमर देयर इज नो इन बिटवीन इट्स आइदर वेरी नाइस और वेरी अंडरवेलमिंग अच्छा हया से जो हमने मंगाया था हमने हया से मंगाई थी मेजर जो चीजें हैं वो हैं दो मेजर अच्छा अब आप लोग सिर्फ सुने ठीक है क्या क्या मंगवाया था मुझसे ब्रो जरा कैमरा तो करना वो सिर्फ मशीन दिखा दो जो सोफे के ऊपर पड़ी हुई सेटिंग हां ये एक मिनट ये मशीन अब जरा वापस आइए ये मशीन थी ये मशीन कब आई मैं बताती हूं आपको ठीक है जिस दौर में चॉकलेट्स मेकअप निकाल रहे हैं कस्टम वाले सही है उस पीरियड में मेरी बहन ने मुझसे कॉफी मशीन कितनी की थी 45,000 रुपए हां अच्छा सही है आई थॉट पता नहीं कितनी लाख वाक की होगी यार ये तो मैं भी ले सकती हूं फिर अच्छा सही है तो ये कॉफ़ी मशीन और ये कैसे लानी थी मुझे सूट केस के अंदर लगेज में ठीक है अब मेरा लगेज है आई एम ट्रैवलिंग एनीथिंग कैन हैपन एंड आई जस्ट फेल्ट बैड दैट अगर किसी ने निकाल ली पाकिस्तान में जो कन्वेयर बेल्ट पे सामान फेंकते वो बिल्कुल यूं फेंक जैसे मछली फेंक रहे हैं वो उसमें ओशन में तो मैंने बोला भाई कि मैं अच्छा वहाँ से आते हुए यहाँ पे कोई फ्रैजाइल का टैग नहीं लगता कोई बबल रैप पूरा सूट केस नहीं होता आपका तो मैंने कहा अगर गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस तो लाइक यू नो आई वुड फील लाइक शिट इट वुड बी माय फॉल्ट बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड दैट ऑब्वियसली बट आई वुड फील वेरी बैड ये हुआ फिर मैं अच्छा मैं अब मैं जब सूटकेस पैक कर रही सही है तो मैंने पहले रखा कॉफ़ी मशीन आधा सूटकेस स्वस्थ हो गया भर गया ठीक है फिर तो एक पूरा कार्टन पास्ते के साथ 12 पैकेट थे 12 में से 11 बिकॉज एक पैकेट मेरी बिल्ली ने फाड़ दिया तो मैंने खा लिया था पका के
उससे पंजे मारे, उसको स्वास्थ्य अच्छी लगी थी। सही है, ये हो गया एक कार्टन पास्ते का। और क्या ऑर्डर किया था, 7 पैकेट एक तरह के कॉफी बीन के, 7 किलो, 1 किलो के 7 पैकेट, 7 पैकेट दूसरी तरह के कॉफी बीन के, 7 किलो एक और, 1 किलो के 7 पैकेट। और ये टिम हॉर्टन्स की इफी की है, नहीं नहीं ये आई थिंक इली समथिंग, और लवाजो की है, इली की है, लवाजो की, मतलब लवाजो शवाजो जो भी है सही है, लेकिन बेसिकली 7 × 3 सही है। देवर 3 sets of 7 एंड ईच वॉज ए के जी एंड आई हैव 30 kgs जस्ट सेइंग, ठीक है ना। अच्छा हेयर इज द बेस्ट पार्ट सही है, विच यू शुड बी वेरी बैड फॉर, ठीक है ये हुआ। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये था फिर थी भाई ये लेजर मशीन विद द होल बैग एंड एवरीथिंग, फिर हेडफोन्स थे, और क्या था, और भी कुछ था, मैं नहीं मानती कि दिस वॉज ऑल। एक कतरा लेकिन फर्क बहुत पड़ता, सिनेमन टोस्ट का, ठीक है। अच्छा ये हो गया सही है। अब जो मेरी फ्लाइट थी, मैं रहती हूँ लाइक नॉट एनीवेयर नियर लंदन, लंदन एयरपोर्ट से जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से लेके लंदन एयरपोर्ट का रास्ता इज अबाउट 3 घंटे सही है, बाई ट्रेन सही है। माई हस्बैंड गॉड ब्लेस हिम वॉज कैरिंग दिस 30 kg का सूट केस सही है, और ये सूट केस इतना भारी था, इतना भारी था कि इसके व्हील था ना ये सीधा चलता है, ये बेचारा टेढ़ा करके चलता है। मैं कहता हूँ ऐसे क्यों चला रहे हो, बोलते नहीं चल रहा है, जिंदगी के बदले पूरे हो गए आप हमेशा, जब भी हम ट्रैवल करते थे सारा सामान हमें पकड़वाते थे। फिर तो बहुत अच्छा हुआ है, मैंने वाकई में एक बैग इसको पकड़ाया, एक बैग इसको पकड़ाया, बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक यू नो हैव अ लॉट ऑफ स्टफ। आई हैव अ क्वेश्चन, Do you have to pack these ourselves? bag. सही है ये हुआ सही है। तो बेचारा तलहा इतना भारी सूटकेस उठा के, बिकॉज दे वर लाइक विद स्टेयर्स एंड एवरीथिंग, मैं तो मेरे पास 2 सूटकेस ऑलरेडी थे, छोटे वाले हैंड कैरी थे, एंड आई हैव माय बैकपैक एंड माय पर्स, तो ये तो यू शुड से थैंक यू टू हिम टू, बिकॉज दैट वाज ऑल योर स्टफ इन देयर, जस्ट सेइंग, सारे का सब तुम दोनों का सामान था। तो ये हुआ था, तो बेसिकली सारा सामान मैं ये लेके आई थी। एंड फिर अन्य को मैंने कॉफी, फिर अन्य को मैंने बोला था कि जब मैं आई थी तो मेरा सूटकेस वाज द लास्ट टू कम ऑन द बेल्ट, और वहाँ पर आई थिंक आधा घंटा पौना घंटा खड़ी थी वेटिंग फॉर माय सूटकेस। एंड में वो आया है तो मैंने उठाया, तो कस्टम वाला जो बंदी है ना वो चलती हुई आई मेरे पास, उसको बोला मैडम पीछे उसके बॉस कहा कि नहीं छोड़ दो छोड़ दो, बिकॉज अन्य जो है कि सोलो फीमेल ट्रैवलर्स कुछ नहीं बोलते हैं। सो ये गर्ल पावर, मुझे कोविड हो गया मुझे लगता है, अब करो अब पक्का पॉजिटिव आएगा, बिकॉज मुझे गले में कुछ हो रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से और कोई है, हाउ गुड माय स्किन लुक्स, वो सब दिखा रहा हूं, माय स्किन का लाइक यू नो हां जी, बट ये अपनी स्किन क्या, स्किन केयर करके, स्किन केयर रूटीन, स्किन केयर रूटीन करके, माय पीएम स्किन केयर रूटीन पीएम। यार आई थिंक आई एम आउट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन दिमाग में नहीं है, लेकिन मिसकंसेप्शंस, नंबर 1 हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, नंबर 2 शी लिव्स टू फार अवे दैट्स व्हाई वी डोंट फिल्म टुगेदर, नंबर 3 मुझे ना इतना मजा आया, हमने किया था रोल्स रिवर्स हो रहे हैं, नाम गुनास ब्रो सम क्वेश्चंस बाय द वे मस्कल। अच्छा ब्रो, हु इज योर फेवरेट साली, सारों के सामने पूछ रहे हो यार, हु इज योर फेवरेट साली, ऑल ऑफ देम, नो यू डू नॉट, नन ऑफ दैट बुलशिट डिप्लोमेसी इज गोना फ्लाई, वी चूज वन एंड डू नॉट फॉरगेट हु हेल्प्ड यू द मोस्ट। गाइस देखो तुम लोग तो बाद में मना लोगे तो चली जाएगी, इसको मना भी नहीं सकते, नहीं 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 ईमानदारी से जवाब दो, कोई नहीं, तीनों किसी का नाम बकवास नहीं करो, दे विल लव यू रिगार्डलेस द सेम बट इट विल अफेक्ट मी, आई एम लेटिंग यू नो। तो यार वो बोल भी रही है कि उसको अफेक्ट होगा, तो मैं फिर इसका तो फिर तो बहुत ही अजीब बात है, क्यों, खैर कोई बात नहीं, चलो चलो हया हया नहीं, चलो हया नहीं, नहीं नहीं यू शुड मीन इट, हया कम्स फ्रॉम इनसाइड द कनाडा, बाय द वे इफ केस यू डोंट नो, अन्य अली की शादी में मेरा बहुत बड़ा हाथ था, जिस बाय द वे, और पूछे जरा ऐसे ये बताएगा, बताओ जरा, नहीं ये तो है, ये तो मैंने मैंने तुम तो चुप करो यार, मैंने अपने डैडी से अलग से बात की थी, मैंने अपनी अम्मी से अलग से बात की थी, मैंने अपने मामू से अलग से बात की थी सही है, मैंने इससे अलग से बात की थी, मैंने इससे अलग से बात की थी, इसको तसली दे रही, इसको तसली दे रही, मैं उनको समझा रही हूँ, इसको समझा रही हूँ, आई डिड एवरी सिंगल थिंग एंड आई सिंगल हैंडेडली टेक क्रेडिट फॉर देयर शादी। जो आप लोगों ने वीडियो देखा ना वायरल हुए कि इतना रो रहा है, इट्स बिकॉज इट वाजंट सपोज्ड टू हैपन बट इट हैपन्ड बिकॉज ऑफ मी, सो या टेल देम दैट, टेल लाइक जस्ट, सही बात सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी विद अन्या,
of Anya in all the years I've known her. अगर इसको याद रह जाए कोई यार वैसे आज इसको उसकी मेमोरी भी मैं बहुत हाँ नहीं, नहीं काफी काफी ज़्यादा मैंने जोड़ा पहना हुआ था जो छः साल पुराना जोड़ा है जो मैंने तब पहना था जब मैं पहली दफा इसके घर दावत पे गई थी एंड ही इज लाइक ये वही जोड़ा है ना जब अम्मा ने कुन्ना बनाया था अल्लाह दैट्स सो क्यूट ओके ब्रो व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी ऑफ अनिया दूर करो ना इसे यार आई थिंक फेवरेट मेमोरी व्हेन आई गॉट मैरिड टू हर That's like lamest ever, but like okay. और कुछ आ नहीं रहता ना दिमाग में। ये देखो। Best cover up। मार खाओगे तो मार मैं बता रही हूँ तुम्हें सही अच्छा। Next question। One thing that you like about. You have to bag these ourselves. So more than one thing that you like about all of your sarees. All of them are very nice. अरे अच्छा। ये देखो। Men are so seriously मतलब कि उन कोई जो ना और जल्दी boring नहीं मतलब सही बोलते हैं भाई कि like you know कोई इमोशन में डिस्क्रिप्शन नहीं होती है कोई डिटेल आंसर नहीं देते हैं बस जान सुनाने की बात यार देखो मुझे तुम पूछोगे ना आई एम हैप्पी तो शादी पे अपने इमोशनल तुम हो मतलब बता हमें एक मिनट मैं तुम्हें बोलता हूं बोलोगे आर यू हैप्पी मैं बोलूंगा आई एम हैप्पी नो तुम बोलो नो आस्क मी इफ आई एम हैप्पी आर यू हैप्पी आई एम द हैप्पीएस्ट आई हैव इन माय होल लाइफ हां तो मैं अब इतना आई एम द हैप्पीएस्ट इन माय होल लाइफ मैं बोलूं आई एम हैप्पी नहीं तो माशाल्लाह थैंक यू लेकिन मतलब कि हैव सम ऐड सम डेप्थ टू योर इमोशन मैन लाइक व्हेन यू टॉकिंग बी बिट मोर एक्सप्रेसिव मतलब मैंने तो बोला है हाँ सतीनो अच्छी है बस आइए ठीक है हाँ ओके व्हाटएवर तुम लोग तो फिर सालियों में बीवियों के पूछते हो तुम्हें मेरी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है एक्सक्यूज मी ही लाइक सब कुछ पता क्या हम लोग क्लास 2 में जो आप बोलते लविंग केयरिंग दैट यू आर लविंग पता ही कौन से साहब हो गए जब बोलते थे ना use the word destroy in a sentence because I didn't know some people don't even know the meaning of destroy and we used to get marked for that because that sentence was valid so yeh woh hisaab karta hai all of the above mera sir point yeh hai ki main safe answer ke saath khelta hoon aur main kuch aise ghuma phira ke bolta boring bro boring it's not boring that's boring it's simplifying the simple question अच्छा अब ये हम रोज होता रहेगा और ये हर रोज हम फिल्म भी करते रहेंगे आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे शी इज हेयर फॉर अ व्हाइल आई एम हेयर फॉर अ व्हाइल तो हम आपके साथ हाँ छोटा तो नहीं है क्या शेयर करते रहेंगे रोज क्या होता रहेगा लेकिन वीडियोस बनाते रहेंगे हम लगाते रहेंगे सो व्लॉग्स में लेते रहेंगे एंड मैं इनको कन्विंस कर रहा हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल भी खोल नहीं मैं कन्विंस हो गई हूँ बस नया फोन लेने की देर है बिकॉज़ अभी मेरे पास फोन इतना अच्छा नहीं है हाँ तो फोन भी ले लेंगे उसके भी वीडियो आएगी जब हम लोग फोन शॉपिंग में जाएंगे बिकॉज़ मैं ब्रो को मना रही हूँ कि मुझे रेडमी चाहिए ब्रो तुमने तो आइडिया तुमने पूरा अच्छा सॉरी सॉरी नहीं काट देना पार्ट कैंसिल तुझे हया के साथ एक पूरा दिन भी मैं बाहर जाऊंगा उसके बारे में एक ब्लॉग बनाएंगे आई हैव सो मच इन माई हेड एंड यू नो सो मेनी वीडियोज दैट आई हैव टू मेक तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे एंड इन अदर न्यूज मीटअप की जो डिटेल्स हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और नॉट सेलिब्रिटी यार कमेंट इफ यू वांट अस टू ब्रिंग समवन एल्स विद अस लाइक मी तो हम तो पैकेज में आ रहे बाय वन गेट थ्री फ्री तो जी मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि 70,000 सब्सक्राइबर्स पे हम एक मीटअप करेंगे तो हाँ 72 आई थिंक सो गुड जॉब ब्रो अब हमें मीटअप करना है तो मीटअप के लिए जो जगह है सारी चीज़ें अनिया के इंस्टाग्राम की मैं डिटेल्स दे दूंगा बिकॉज मेरा इंस्टाग्राम डिसेबल हुआ है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया था लोगों ने मेरा अकाउंट रिपोर्ट कर दिया था तो सारी जो डिटेल्स हैं वो अनिया के इंस्टाग्राम में भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और यूट्यूब की कम्युनिटी पेज पे भी सो स्टे अपडेटेड एंड इन अबाउट 1 or 2 days इंशाल्लाह हम मीटअप भी रखते हैं तो चलें गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अंटिल देन अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़